नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल धीरज वर्मा एसएससी में आपका स्वागत है। देखते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 4.2। तो सवाल पहला कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? तो समीकरण दिया है y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय हल है या केवल दो हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए, ऐसे सवाल समझने से पहले हम आते हैं कुछ एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके सामने यहाँ पर लिखा है 30 और इधर लिखा है 10, ठीक। तो अब आपको बताना होगा क्या ये बराबर है, क्या ये दोनों बराबर हैं, यानी इधर 30 दिया है इधर 10 दिया है। तो हम यहाँ पर कहेंगे, अच्छे से समझना, कि ये जो 30 है इसका 3 गुना है। अब यहाँ पर ये जो बराबर, अभी तो हम कहेंगे बराबर नहीं है, अगर इसको बराबर करना है तो क्या करेंगे? देखिए, जो 30 है इसका क्या है, 3 गुना है। यानी अगर हम इधर 3 से गुणा कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक। अब इसके इसमें जो भी होता है अपोजिट होता है। देखिए अच्छे से समझना, है ये 3 गुना, ठीक, जिसे आपके यहाँ सवाल कह दिया कि इस प्रकार से सवाल उसने दे दिया, उसने कह दिया कि ये जो 30 है 10 का 3 गुना है। तो 3 गुना ये है लेकिन गुणा इधर होगी, ठीक। अच्छा, फिर दूसरा मैटर इसी में समझिए, अगर मान लो यहाँ पर उसने 30 की जगह 35 लिख दे और इधर 10 लिख दे, अब क्या आप कह सकते हैं कितने गुना है? नहीं बता सकते। तो इसके यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो 35 है इसके 3 गुना से भी 5 अधिक है, यानी 10 के 3 गुना से भी 5 अधिक है। देखो 10 या 30, अब 5 अधिक है यानी 5 इसमें जोड़ो, ठीक। अब देखो ये 3 गुना भी है और ये जो 35 है इसके 3 गुना से 3 गुना भी है और उसमें उससे भी 5 अधिक है, लेकिन सारा का सारा प्रोसेस किधर हो रहा है, अपोजिट में हो रहा है, ठीक। अब इसका मैटर अच्छे से समझिए, देखिए 10 या 30 और 5, अब ये क्या हो गया, बराबर हो गया, कि ये इसका सिर्फ 3 गुना तो नहीं है, 10 या 30 होता है, 3 गुना से भी 5 अधिक है। किसके 3 गुना से, यानी 10 के 3 गुना से भी 5 अधिक है, और कौन, वो है 35, लेकिन सारा काम कहाँ हो रहा है, अपोजिट में। अब इसी प्रकार से ये समीकरण देखते हैं हम क्या लिखा है। जैसे सबसे पहले जब हम बात करें 3x की, अब देखो x को हम लिख सकते हैं x गुणे 3, ठीक, बराबर y। अब यहाँ पर जो मैटर है क्या है कि y जो है x का 3 गुना, देखो 3 गुना है ये और गुणा किधर हो रहा है, इधर, और फिर 5 उसमें जुड़ा भी है, देखिए 5 इसमें जुड़ा भी है। तो इसका मतलब क्या है, y जो है x के 3 गुना से, यानी 3 सिर्फ 3 गुना नहीं, 3 गुना से भी कितना अधिक है, 5 अधिक है, ठीक। अब यहाँ पर जो ये क्लियर करता है, अब अच्छे से समझो, ये जो वाई है यक्स के 3 गुना से भी 5 अधिक है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक अद्वितीय हल है या केवल दो हल है या परिमित रूप से अनेक हल है। तो इसके लिए अच्छे से समझो कितने हल होंगे। तो इस ऐसे समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, हमारा विकल्प सही होगा ये वाला। अब लेकिन ऐसे क्यों होंगे, तो देखिए यहाँ पर अच्छे से समझो, जैसे हमारा समीकरण है वाई बराबर 3x प्लस 5, अगर x बराबर हम मान लो 10 रख लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, देखो x का मान 10 रखा तो 10 दिया 30, ठीक, यानी देखो 3 गुणे 10 प्लस 5 y बराबर 3 धाम 30 और 5 35, y का मान कितना आ गया 35, एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अगर यक्ष का मान 5 रख लेते हैं तो 5 या 15 5 20, अगर यक्ष का मान 5 रख लेते हैं तो वाई का मान, देखिए इसके 3 गुना से 5 अधिक यानी कितना हो गया 20, अगर यक्ष का मान 8 रख लेते हैं तो वाई का मान, सबसे पहले तो 3 गुना करो 8 रुक 24 और फिर 5 और अधिक है यानी कितना आ गया 29। तो हमारे कितने आंसर आ गए, 1 2 3, क्योंकि इसका मतलब है आप इसको किसी को भी रख दो, संतुष्ट कर रहा है समीकरण को, क्योंकि उत्तर की जांच में क्या होता है, जैसे दिया है हमारा वाई बराबर 3x प्लस 5, तो देखो अगर हम इसको भी रखते हैं तो देखो वाई बराबर 29 प्लस 3 गुणे यक्स का मान 8 प्लस 5, संतुष्ट कर रहा है ना, इसका मतलब ये और ये और ये
आंसर हमारा सही है, ऐसे कई और आंसर हो सकते हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे अपरिमित रूप से इसके अनेक हल हैं। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के लिए चार, प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखे, यानी आपको चार आंसर इसके लिखना है। तो देखिए ऐसे समीकरण क्या है, अभी इससे पहले जो समीकरण आया था उसके अनेक हल थे, तो यहां पर हमसे सिर्फ और सिर्फ चार हल कह रहा है तो इसके अनेक हल। अब देखिए ऐसे समीकरण में क्या होता है, जब सिर्फ x और y है और कोई दूसरा समीकरण नहीं है तो ऐसे में इसके अनेक हल होते हैं। क्या होता है, x का दो गुना और उसमें y जोड़ने पर सात हो जाए, ठीक, तो आपको मान बताना है। तो यहां पर लिखा जाता है x, देखो मेन इसका आंसर होता है जब प्रत्येक अनेक हल होते हैं, इससे पहले वाले सवाल में जिसमें था तो x के प्रत्येक मान के लिए, अब अच्छे से समझो, x के प्रत्येक मान के लिए y का संगत मान होता है, संगत मान होता है। अब संगत मान होता है इसलिए क्योंकि देखिए x के प्रत्येक मान के लिए, यानी x का कोई भी आप मान रखेंगे उसके लिए y का संगत मान होता है, संगत मीन्स होता है उसका मान अपने आप आएगा, यानी अगर आप एक का मान लेंगे तो दूसरे का संगत मान आता है, यानी ठीक, यानी उसका आंसर आएगा है। और अगर y के प्रत्येक मान के लिए यानी अब विलोम भी, विलोम मीन्स इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा x को माने, y के प्रत्येक मान के लिए x का संगत मान होता है। अच्छा अब एक चीज समझते हैं, अब x के प्रत्येक मान के लिए यानी आप x बराबर कुछ भी रख लो, ठीक, अगर हम मान लेते हैं x बराबर जीरो रख लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, क्योंकि हमको इसमें 2x प्लस y बराबर इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो x की जगह जब जीरो रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे जीरो प्लस y बराबर 7, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 जीरो में जीरो यानी कितना आ गया, 7। तो हमारा पहला आंसर आ गया 0.7, ठीक, यानी x का मान 0 और y का मान 7। अगर हम x बराबर 1 रख दें, ठीक, अगर इसी समीकरण में x बराबर 1 रख दें तो देखो 2 गुणे 1 प्लस y बराबर 7, तो 2 एक कम 2, y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2, यानी y का मान कितना आ गया यहाँ पर 5। तो हमारा दूसरा मान आ गया 1.5, यानी x का मान 1 और y का मान 5। देखो 2 एक कम 2 और 5 जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 7। अच्छा अब अगर x बराबर 2 मान ले, ठीक, तो 2 जब मानेंगे तो समीकरण देखिए 2x है, यानी 2 गुणे 2 प्लस y बराबर 7, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7, 2 दुना 4 प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी y बराबर कितना आ गया, 3। तो हमारा ये आंसर कितना आ गया, यानी 2.3, ठीक, x बराबर कितना आ गया, x का मान 2 और y का मान 3, जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। देखिए 2 दुना 4 और 3 कितना होता है, 7। अच्छा अब अगर x बराबर यानी प्रत्येक मान के लिए ना कितना भी आप मान सकते हैं, x बराबर 3 मान लें, तो देखिए 2 गुणे x लिखा है, x का मान 3 प्लस y बराबर 7, तो y का मान ना आएगा। अगर एक का मान आप अपने मर्जी से मान लेते हैं तो दूसरे का मान इसी मानने के हिसाब पर आ जाएगा, 2 × 3 = 6 होता है, y बराबर 7, ये प्लस का 6 आएगा उधर जाएगा माइनस का, y का मान कितना आ गया, 1, यानी ये हमारा आंसर हो गया 3.1। तो हमारा आंसर हो गया 0.7, 1.5, 2.3 और 3.1। अब ये मत कहना कि हमारे आंसर से नहीं मिल रहा है, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही आंसर हो, वो कुछ भी मान सकता था, x का मान यहाँ पर वो अगर मान लो इस्तेफाक से उसने 4 माना होता तो y का मान माइनस आएगा। देखो कैसे 2 गुणे x लिखा है, x का मान हमने कह दिया कि मान लो 4 मान लिया उसने, प्लस y बराबर 7, तो y बराबर हो जाएगा 7, 2 × 8 उधर जाएगा माइनस का, y का मान कितना आ गया, माइनस का 1। तो ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक। अब वो कुछ भी मान आप निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही निकालो। अब देखिए प्रत्येक मान के लिए इसका मैटर समझिए, जिसके साथ में गुणक लिखा हो उसी को माना करो, मानने से क्या होता है हमको आसान हो जाता है, अभी हम इसके नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे।
देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट कह रहा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर नौ। तो देखिए क्या करते हैं, हमने कहा उसी को माने और इसका विलोम भी सत्य होता है, तो ऐसा करिए उसी को मानना जिसके गुणांक में कुछ ना कुछ लिखा हो। तो देखो यक्स के गुणांक में यहाँ पर लिखा है, उसी को सबसे पहले मानते हैं। तो यक्स बराबर अगर हम जीरो मान लेते हैं, ठीक, तो जब इसमें देखो यक्स की जगह यानी पाई गुणे जीरो प्लस वाई बराबर नौ, तो ये तो जीरो हो गया यानी वाई का मान कितना आ गया नौ, तो हमारा पहला आंसर आ गया यानी यक्स का मान जीरो और वाई का मान नौ। तो देखिए पाई जीरो से गुणा हो जाएगी वाई बराबर, और वाई की जगह नौ यानी दोनों तरफ क्या हो जाएगा जांच हो जाएगी। फिर अगर यक्स बराबर मान लेते हम एक मान ले, तो देखिए अच्छे से समझो पाई गुणे यक्स का मान एक प्लस वाई बराबर नौ, तो वाई का मान आ जाएगा नौ और पाई एक कम पाई, और वो भी किसका प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का, तो ये आंसर आ गया वाई का। ठीक, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे एक का मान यानी यक्स का मान कितना है एक हमने रखा था, और उसका संगत मान वाई का मान कितना आया नौ माइनस पाई। ठीक, एक ये आंसर हो गया। अब अगर यक्स बराबर हम कुछ अन्य मान लेते हैं, जैसे यक्स बराबर मान लो दो मान लिया हमने, तो यहाँ पर लिखेंगे पाई गुणे दो प्लस वाई बराबर नौ, तो वाई का मान हो जाएगा नौ और ये दो पाई आएगा, उधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया दो का मान यानी यक्स का मान दो और वाई का मान कितना आया नौ माइनस टू पाई। ठीक, अब बात करते हैं अगर यक्स बराबर तीन लिख ले, ठीक, तो पाई का मान तो पाई रहेगा और यक्स का मान तीन प्लस वाई बराबर नौ, तो वाई बराबर हो जाएगा नौ माइनस तीन पाई, कितना नौ माइनस तीन पाई, तो हमारा यहाँ पर आंसर कितना आएगा तीन का मान नौ माइनस तीन पाई, यानी यक्स का मान कितना है तीन और वाई का मान कितना है नौ माइनस तीन पाई। देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट कह रहा है यक्स बराबर चार वाई। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर कहा था यक्स के प्रत्येक मान के लिए वाई का मान संगत होता है और इसका विलोम भी अपोजिट होता है, अगर वाई के प्रत्येक मान के लिए यक्स का मान संगत होता है। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से समझिए, हमने अभी यहाँ कहा था कि आप उसी को सबसे पहले माना करें जिसके साथ में गुणांक दिया हो, तो यहाँ पर वाई के गुणांक दिया है यानी वाई के साथ गुणांक दिया हुआ है उसी को मानना चाहिए। ऐसे अगर हम कुछ अन्य चीज़ मान लेते हैं तो वहाँ पर हमारा गलत हो जाता है। देखिए कैसे, मान लेते हैं अगर हम यक्स बराबर मान लो दो मान लिया हमने, ठीक, तो यक्स बराबर जब हमने दो माना तो देखो यक्स की जगह कितना लिखेंगे दो और वाई यहाँ पर चार वाई, तो वाई बराबर ये चार कहाँ जाएगा बटे में, तो आंसर आ जाएगा वाई का एक बटे दो यानी वाई का आंसर आ गया 0.5। तो ये पॉइंट में आने लगता है, कभी कभी आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जब कटेगा ही नहीं। देखिए कैसे, जैसे अगर हमने एक्स बराबर तीन माना होता तो देखिए तीन तीन बटे चार, अब इसका पॉइंट का आंसर बहुत अजीब आएगा, चार सत्य पॉइंट लगाएंगे चार सत्य अट्ठाईस दो बचा चार पर यानी पॉइंट पचहत्तर, तो यहाँ पर कभी कभी तो ऐसा आता वो कटेगा ही नहीं, यानी यहाँ पर अगर सात लिखा होता तो पता लगता है कि एक बटे सात जो बाद में भाग देकर आप नहीं लिख पाते। तो ऐसी स्थिति में क्या किया करो, हमेशा जिसके साथ में गुणांक दिया हो उसी को माना करो। तो यहाँ पर दिया था हमारा यक्स बराबर चार वाई। ठीक, अब दूसरी बार भी समझो इसका मतलब क्या है। जैसे हमने बताया था इससे पहले वाले वर्ड में कि मान लो यहाँ पर 40 लिखा है यहाँ पर 10 लिखा है, तो ये इसका चार गुना है यानी ये चार इसके गुणे में होगा, यानी 40 जो है इसका चार गुना है। इसी प्रकार से जो यक्स है इसका चार गुना है, कितने गुना है चार गुना। ठीक, तो अब मान रखेंगे किसको रखेंगे, ध्यान रखना वाई को मान रखेंगे। ठीक, वाई का अगर हम मान रखते हैं एक तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, क्योंकि ये इसका कितने गुना है, ये कितने गुना है चार गुना, तो यक्स का मान आ जाएगा चार। ठीक, यानी हमारा आंसर हो गया ठीक एक का मान चार। अगर हम वाई बराबर सॉरी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर जो आंसर लिखेंगे तो उसमें लिखा जाता है सबसे पहले यक्स का, यानी यक्स का मान चार और वाई का मान एक। आपने किस प्रकार से लिया ये मायने नहीं रखता, यानी आंसर हमको सबसे पहले यक्स लिखा जाता है फिर वाई। अब देखते हैं अगर y बराबर दो ले लेते हैं, तो दो रखना है तो यहां पर लिखेंगे x बराबर
सबसे पहले हमने कितना माना y बराबर अब 2, तो लिखेंगे x बराबर 4 y की जगह 2, यानी कितना आंसर आ गया x का मान 8। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8, 2। ठीक, ये समीकरण को संतुष्ट करेगा, यहाँ पर 8 लिख दो और यहाँ पर 2 तो को 8। फिर अगला मान लेते हैं, अगर y बराबर कितना मान लें, अगर y बराबर हम मान लेते हैं 3, तो x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर 4 y की जगह 3, यानी x का मान कितना आ गया 12, या हम डायरेक्ट लिख सकते थे इसका 4 गुना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 12, 4। ठीक, अगर x y मान लेते हैं 4, तो x का मान कितना आएगा, चाहे तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कितना 16, यानी कितना आंसर आ जाएगा 12, 3 और यहाँ पर 16, 4। इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हो। प्रश्न नंबर तीसरा कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। तो देखिए यहाँ पर समी आंसर दिए हुए हैं, यानी x बराबर 2, x बराबर 0, y का मान 2, x बराबर 2 और y का मान 0, तो क्या इसके हल हैं या नहीं। तो हम बात करते हैं उत्तर की जांच की, कक्षा 6, 7, 8 में हम क्या करते थे, उत्तर की जांच करते थे। अगर दोनों साइड में हमारा बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हमारा आंसर क्या है, सत्य है। अगर बराबर ना आए तो क्या है, उसका हल नहीं है। तो देखते हैं समीकरण लिखते हैं, x माइनस 2y बराबर 4। अब बात करते हैं x की जगह कितना लिखना है, 0, 2, y की जगह 2 बराबर 4, तो यहाँ पर आया माइनस 4 बराबर 4, तो क्या ये बराबर आया, नहीं, देखिए ये प्लस का है ये माइनस का, तो यानी ये LHS बराबर RHS नहीं है। तो क्या इसका हल है, तो लिखेंगे 0, 2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, फिर बात करते हैं 2, 0 की, तो समीकरण लिखते हैं, यानी उत्तर की जब जांच करेंगे, ठीक, तो लिखेंगे x माइनस 2y बराबर 4। अब x की जगह कितना लिखना है, 2 माइनस 2, 0, 0 बराबर 4, तो इधर आया 2 बराबर 4, तो क्या बराबर है, नहीं, तो 2, 0 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, अगर दोनों तरफ बराबर आ जाता तब तो समीकरण का हल था। अब बात करते हैं 4, 0 की, तो इसकी भी हम जांच करेंगे, तो जांच जब करेंगे यानी उत्तर की जब जांच करेंगे, तो समीकरण लिख देंगे x माइनस 2y बराबर 4। ठीक, अब देखते हैं x का जगह कितना लिखना है, 4 - 2, y की जगह 0 बराबर, तो ये 4, 2, 0, 0 बराबर, यानी 4 में से 0 गया 4 बराबर 4, तो देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब 4, 0 है समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। ठीक, अब बात करते हैं 2√2 और 4√2, तो इसकी भी उसी प्रकार से जांच करेंगे जब हम, ठीक, तो समीकरण लिख देंगे x माइनस 2y बराबर 4, तो x की जगह कितना लिखेंगे, √2, 2, यहाँ पर लिखेंगे 4√2 बराबर 4, तो यहाँ पर लिखेंगे √2 - 2 = 8√2 बराबर 4। तो यहाँ पर अच्छे से समझो, यहाँ पर 1√2 है और यहाँ 8√2 है, तो 1√2 में से 8√ गया 2, तो यहाँ पर बचा 7√2। अब इसका मैटर समझिए घटाने वाला, जैसे इसको मान लेते हैं कोई ब्रैकेट में, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा होता है x और यहाँ पर लिखा है 8x, यानी इसको x को ब्रैकेट में ले लो, तो 1x - 8, तो x को x से ऐसे उतार देते हैं और 1 में से 8 गया 7। अब इसी प्रकार से यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा है रूट, ठीक, 8√2, तो रूट 2 को ऐसे उतार देंगे और 1 में से 8 गया कितना 7, यानी 7√2। इधर कितना लिखा है बराबर 4, तो क्या ये इसका हल है, नहीं, ये इसका हल नहीं है, तो लिखेंगे √2, 4√2 समीकरण का हल नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं 1, 1, इसकी भी जब हम जांच करेंगे, तो देखिए अच्छे से समझिए, समीकरण उतार देंगे x माइनस 2y बराबर कितना है
चार, ठीक। तो एक्स की जगह एक माइनस दो, वाई की जगह एक बराबर चार। तो एक माइनस दो एक्कम दो बराबर चार, एक में से दो गया माइनस एक बराबर चार। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक कामा एक समीकरण का हल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा था हलों में कौन कौन समीकरण के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो देखिए कौन कौन हल नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो और है कौन, यानी सिर्फ चार कामा जीरो इस समीकरण का हल है। प्रश्न नंबर चार देखते हैं, कह रहा है यहाँ पर k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर दो और y बराबर एक, समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे मैटरों में कुछ नहीं करते हैं, मान दिया है रख देते हैं। देखिए x बराबर दो तथा y बराबर वन, यानी x बराबर दो तथा y बराबर एक को समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, ठीक। तो दो यक्स का मान कितना है, दो प्लस तीन वाई लिखा है ना, वाई का मान कितना है एक बराबर के। तो दो दो ना चार प्लस तीन एक्कम तीन बराबर के। तो ये कितना हो गया, चार और तीन कितना हो गया सात बराबर के, यानी के का मान कितना आ गया सात। कि यक्स बराबर दो और वाई बराबर अगर वन रखते हैं तो देखिए दो दो ना चार तीन एक्कम तीन, तो कितना आ जाएगा के का मान सात। जिससे मान लेते हैं दो कामा एक किसी समीकरण का हल है, यानी इस समीकरण का अगर हल है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए सात होना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा के बराबर सात। एक्सरसाइज 4.2 द एंड। अगर वीडियो कहीं पर भी अच्छा लग जाए तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।